कतर पहुंच चुके हैं खैर खरियत से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? तबीयत से ठीक है? वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज ईद का दिन है और सुबह के 5:30 हो चुके हैं और इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और आज मेरी फ़्लाइट भी है सियालकोट से दोहा के लिए और ईद का दिन भी है और मैं सुबह उठ चुका हूँ, नमाज़ अदा की है। नमाज अदा करने के बाद अभी ज़रा बाहर निकला हूँ, 6:30 बजे जमात है ईद की और अभी आधा पौना घंटा था। मैं कहा चलो हल्की सी वीडियो शूट कर लें, फिर तैयार होते हैं और पहला व्लॉग है, देखें कैसा बनता है। और ये हम ईद की नमाज़ के लिए तैयार हो चुके हैं और ये है हमारा ईद का आउटफिट। नमाज़ के लिए जा रहे हैं, साथ में जान नमाज और बच्चा पार्टी और फिर हम नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँच गए मस्जिद में। तो अभी टाइम था कुछ ईद की नमाज़ के बाद, अब हमने अपना रास्ता चेंज किया और चले घर और फिर हम चल दिए लाहौर लारी अड्डे की तरफ। सियालकोट मूव करना था, यहाँ से गाड़ी लेनी है। गड्डी जो वेख्या के सामने कह दिया था पट्ठा वा तो आवाम तस्वीर लै रही। और फिर फाइनली हम पहुँच गए सियालकोट एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर और यहाँ एक छोटा जहाज़ खड़ा था। भूख लगी थी, मैंने सोचा थोड़ा सा खाना खा लिया जाए, फिर खाने का आर्डर दिया और वेट करते करते फिर ये लेके आया, वो भी आधा सामान। फिर उसके बाद फिर उसका वेट किया और फाइनली वो ले आया जो जिसका हमने आर्डर दिया था। खाने से जैसे ही फ्री हुआ तो मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट तो जाएं, जाके देखे तो सही कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा फिर। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। साथ के टीम मेंबर ये खड़े हैं ये सामने और हमारी 4 बजे फ़्लाइट है और अभी 9:30 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं। कतर जाने की खुशी भी है और लेकिन वालदा मोहतरमा को पीछे रोता हुआ छोड़ आया हूँ। वाला साहब उदास थे, कुछ बोल नहीं रहे थे लेकिन मुझे पता तो चल गया था कि वो भी उदास हो चुके हैं। पीछे फैमिली वाले भी सारे इसी तरह उदास। फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर, होता है। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। इंतज़ार के बाद बड़ी प्यारी सी ख़वातीन की आवाज़ सुनने को मिली कि आ जाएं 631 वाले। मैंने सोचा थोड़ा सा पानी भी ले लें और साथ खाने के लिए कुछ और भी। और फिर फाइनली मैं बोर्डिंग वाली लाइन में लग गया तो देखा कि भाई पूरा पाकिस्तान जा रहा है, कल्ला जट नहीं चला बाहर। मेरा बोर्डिंग क्लियर होने के बाद पूरे 2.5 घंटे की जलालत के बाद बोर्डिंग करवाई, सामान चेक करवाया, पता नहीं क्या क्या करवाया। करवाने के बाद अब फ्री हुआ और अब सोचा थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ। फाइनली बोर्डिंग क्लियर हो गई तो उन्होंने कहा जी चलो जी अपने अपने जहाज पे जा रहे हैं भाई जहाज। तो देखो शीशे वाली सीट देने मैंने तो उल्टियाँ भी आदि ने। कैमरा उधर उन मुख्तरमा ने बंद करवा दिया। चलो मैं क्या कोई गल नहीं, फिर हम निकल पड़े अपनी सीट ढूंढने के लिए। सीट तो मिल गई है, इरादा था कि साइड वाली मिलती पर सेंटर वाली मिली। देख लो please make yourself comfortable and enjoy our world class service।
please ensure that your hand luggage has been placed in the overhead stowage compartments or under the seat in front of you. We also ask that you switch your electronic devices and mobile phones to flight mode. फाइनली फिर जहाज में एक आवाज़ आई कि शफीक अहमद रोटी खोल दे हुण वीरे। खाने के बाद फिर पायलट ने उन लड़कियों बेचारियों को बोला कि वेड़े दी बत्ती हुण बंद कर दियो, इन्हां कर्मा आलियां नूं सौण दो। अभी जहाज़ प्रॉपर तरीके से लैंड हुआ ने ते आवाम इंज समान नूं पै गई जिवें आटे नूं पैंदी आ। इत्थे मेरे वर्गा कोई जट बैठा सी जिन्हें अपना कौमी खेल खेडिया गंदगी फैलाण वाला। और फिर फाइनली हम जहाज़ से बाहर आ गए और बाहर का व्यू था भाई क्या लश माहौल था, यकीन करें बड़े आउटस्टैंडिंग का है कतर। और मैंने अपना दीदार तो आपको करवाया नहीं और ये रहे हम बजाते खुद। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी कतर पहुँच चुके हैं खैर खरीत से। अभी निकलते हैं बाहर और देखते हैं कतर के नज़ारे। माहौल है वैसे कतर जी आपस की गल। ये रहा हमारा लगेज। हाँ जी कतर एयरपोर्ट पहुँचे, चेकिंग करवाई, उसके बाद आईडी बनवाई। आईडी बनवाने के बाद अपना बैग कलेक्ट किया। बैग कलेक्ट करने के बाद पता चला कि जो मेरे साथ मेरे कलीग आए हैं उनका बैग ही नहीं मिल रहा। तो अभी बोला है, एक खवातीन खड़ी हैं हमारे साथ, उनको बोला है तो वो कहती हैं हमें अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट दें ज़रा, हम अभी आपको ढूंढ के देते हैं। जिसका बैग गुम हुआ है वो भाई बहुत परेशान था, कहता यार वालदा मोहतरमा ने पिनिया बना के दी थी। एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और रवाना हो गए हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी में बैठे हैं और चल दिए हैं हम अपनी रिहाइश की तरफ। रिहाइश में जाके वहाँ हमारी ट्रेनिंग होगी, हर चीज़ वहीं होगी। और फिर भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं इंडस्ट्रियल जोन में, यहीं हमारा कैंप है। कैंप में हमारी ट्रेनिंग वगैरह होगी, यहीं हमारा मेडिकल होगा, यहीं हमें पीपीज इशू किए जाएंगे और क्या पता रिहाइश भी हमें यहीं मिल जाए। तो बाकी देखते हैं, फ़िलहाल थकावट हुई पड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ खाने के लिए पहले दे देना, यकीन करें मज़ा आ जाए। बस बाकी साथ साथ बताता हूँ यार। और फिर हम मेडिकल के लिए वेट में बैठ गए और फिर पता चला उन्होंने कहा कि भाई खाना खा लो, हमने कहा हम तो तैयार हैं। और फिर आ गए, ये आ गया रायता, ये चावल और ये दाल और ये साथ में एक डब्बा जूस का। भाई इंडियन स्टाइल खाना था, टेस्ट में भी अच्छा था। लव यू। मैं खाने से जैसे ही फ्री हुआ तो चेहरा मुबारक ऊपर किया तो मैंने देखा मेरे साथ मेरे इंडियन मुसलमान भाई बैठे हैं। खाने के बाद बड़ी मस्त सी नींद आ रही थी तो मैंने देखा कि इधर उधर रश है, मैं सोने के लिए निकल गया। और भाई हम गए थे सोने के बाद उठाऊँ, 2 बजे सोया था, 5 बजे उठाऊँ और नमाज़ अदा करने के बाद आ गया हूँ बाहर। बाहर आके देखा है तो सामने है बकाला। हाँ जी मगरब से पहले व्लॉग बना रहा था तो बनाते बनाते मोबाइल बंद हो गया। फिर मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, लगा के नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद अभी बैठा हूँ रोड पे। मौसम बहुत VIP हो रहा है कतर का। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त और कमेंट में बताइएगा कि पहला व्लॉग किस तरह लगा है। पहला था, ज़रा माफ़ी दे दीजिएगा आप भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।